मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरगामा वार्ड नंबर 10 में बीती रात एक विवाहिता की घरेलू विवाद में हत्या कर दी गई। वहीं मृतिका के मायके पक्ष के परिजनों ने उसके पति पर धारदार हथियार से गला काट कर निर्मम हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि धवौली निवासी मुन्ना साह की बेटी खुशबू कुमारी की शादी हिंदू रीति रिवाज से मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जुर्गामा वार्ड संख्या 10 निवासी भूपेंद्र साह के बेटे दीपक कुमार के साथ हुई थी। दीपक मीरगंज चौक पर मिठाई का दुकान करता था। उनके चार बच्चे भी हैं, जिसमें दो बेटा एवं दो बेटी है। मृतिका के मायके पक्ष के परिजनों की माने तो 2012-13 में खुशबू की शादी काफी धूमधाम से दीपक के साथ की गई थी और परिवार वालों ने दहेज में काफी कुछ दिया था, लेकिन दीपक और उसके परिवार वालों का डिमांड बढ़ता ही जा रहा था और लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। इसके लिए उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, लेकिन खुशबू हर दर्द को बर्दाश्त करती रही और आज उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतिका के मायके पक्ष के परिजनों ने बताया कि आज सुबह उन्हें किसी ने फोन पर हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद वे लोग मीरगंज पहुंचे तो ससुराल वाले घर के पीछे ही गड्ढा खोद कर सबको दफनाने की फिराक में थे। इन लोगों के पहुंचने पर सभी लोग फरार हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने तत्काल सबको सहरसा पूर्णिया मुख्य मार्ग स्थित NH 107 पर रखकर सड़क जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा भी किया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मुरलीगंज थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया। वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा SP राजेश कुमार ने बताया कि मुरलीगंज थाना में मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में SDPO के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। घटना कल की, मेरी बहन के शादी का 10 साल हो गया। आज से 1 साल से हमको 10 लाख दहेज के लिए मेरी बहन को परेशान और प्रताड़ित कर रहा था। लड़का का दूसरे लड़की से अवैध संबंध था, उसके लिए दिन रात मारपीट करते करते परेशान किया जाता। मेरी बहन को हर वक्त टॉर्चर किया जाता था और बाल बच्चा चारों को मारपीट करता था। हर वक्त नशे में धूत रहता था हर वक्त 24 घंटे। कल रात को ना मेरी बहन को 10-11 बजे दबिया से काट के खदा खून के दफनाने के लिए जा रहा था। उसी बीच में वहाँ का कोई आदमी हमें फोन करके कहा, तो हम गए घटना स्थल पे, तो खदा से लाश को निकाल के बाद समाज सब आया तो भीड़ भाड़ हो गया। कहाँ का घटना है ये? मीरगंज ढाला का मुरलीगंज थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा वार्ड नंबर 10। क्या नाम था आपके भनोई का? क्या नाम था? दीपक साहब। पिताजी का नाम भूपेन्द्र प्रसाद था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार। घर डबोली। देखिए रात में का नाम रखा है, पापा भी थे, लड़की का भी पापा थे, सभी का भी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है ना झगड़ा हुआ, बातें जो है ना दोनों घर से निकल, पापा भी थे लड़की का, कहते जल्द हुई माता महीने करे थे अपने फेंक के लेके दिए अपने। उसके बाद जो है कुछ देर हम लोग खाना खाए, उसके बाद देखे ना आए तो हम लोग गए खोजने, उसके पापा भी थे। कुछ देर खोजे आधा एक घंटा तो लड़की का पापा बोले छोड़ दियो अपने, अभी तो कन्हो होता है अपने घर में। उसके बाद हम लोग सो गए, सुबह में हम लोग को पता चला कैसे। मारपीट की घटना पहले भी होती थी? झगड़ा पहले भी मारपीट नहीं हुआ, सिर्फ जो है बत्ते बत्ती पे निकला। पहले भी इस तरह घटना हुआ था? हाँ, इससे पहले भी एक दो बार निकले थे घर से, लेकिन आ जाते थे तो पापा लोग सोचे कि गए हैं फिर आ जाएंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि जैसा ऐसा हो ही जाएगा। क्या नाम है भाई का आपके? दीपक कुमार। आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। घर? इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है और SDPO के नेतृत्व में इस पूरे मामले का जांच और अनुसंधान के लिए एक टीम का गठन मेरे द्वारा कर दिया गया है। बहुत जल्द हम लोग इसका खुलासा कर लेंगे।